नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। लखनऊ की चिटफंड कंपनी रोपवे एग्रो प्रोड्यूसर ने जिले के जमाकर्ताओं को करीब 3 करोड़ रुपए की चपत दी है। साल 2016 में 4 साल की अवधि में दुगने करने के नाम पर जमा कराई गई रकम के 2020 में भुगतान के समय कंपनी द्वारा की जा रही टालमटोल से परेशान होकर कंपनी के 19 जमाकर्ताओं द्वारा एटा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले के मुख्य वादी राम सिंह पुत्र फकीरेलाल निवासी चित्रगुप्त कॉलोनी एटा का कहना है कि साल 2016 में वो लोग सहारा इंडिया कंपनी में काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात राजन सिंह पुत्र राम सिंह निवासी LS2 जानकीपुरम लखनऊ से हुई। उसने खुद को रोपवे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का महाप्रबंधक बताते हुए इस कंपनी में काम करने को कहा, साथ ही इसमें जमा रकम की सुरक्षा की बात भी कही। राम सिंह के अनुसार उनके आश्वासन पर पहले इस कंपनी के एटा में शाखा खोल कासगंज के प्रतीप चौहान को शाखा प्रबंधक बनाया गया। इसके बाद अशोक कुमार शर्मा पुत्र महेंद्रपाल निवासी वनगांव रोड एटा नए शाखा प्रबंधक बने और निधौरी रोड पर माही बैटरी रिक्शा कंपनी के ऊपर अपना कार्यालय खोला। राम सिंह के अनुसार इसके बाद इस कंपनी में उसने खुद के 12 लाख, कोतवाली देहात के लालगढ़ी निवासी राजेंद्र ने 35 लाख, राधा विहार सुनहरी नगर निवासी रमेश चंद्र ने 8 लाख, कोतवाली देहात के लहरा निवासी श्यामवीर ने 18 लाख, नारायण नगर निवासी अनिल सोलंकी ने 8 लाख, शिवसिंहपुर निवासी रमाशंकर ने 8 लाख, पटियाला गेट निवासी कपिल पारशर ने 2.5 लाख, शांति नगर निवासी सुनील पांडे ने 45 लाख, अरुणानगर निवासी सरिता शर्मा ने 15 लाख, निधौली कला के नगलाबंदी निवासी गुलाब सिंह ने 2 लाख, रिजौर के कुरीना दौलतपुर निवासी कश्मीर सिंह ने 22 लाख, अशोक नगर निवासी दिनेश शर्मा ने 70,000, नगला केवल निधौली रोड की छोटी देवी ने 2 लाख, नारायण नगर निवासी मुनीषा यादव ने 16 लाख, वनगांव निवासी अशोक कुमार शर्मा ने 85 लाख, श्रृंगार नगर निवासी अतुल श्रोतिया ने 1,60,000, बागवाला के लोया बादशाहपुर निवासी मनोज कुमार ने 4 लाख, हीरानगर वनगांव निवासी नितिन कुमार ने 50,000 और रेलवे रोड दरियागंज पटियाली नगर कासगंज के वीरेश गुप्ता ने 10 लाख रुपए जमा कराए। राम सिंह का आरोप है कि जनवरी 2020 में इस राशि के परिपक्व होने और वापसी की अवधि होने के बाद कंपनी महाप्रबंधक राजन सिंह ही नहीं बल्कि कंपनी निदेशक राम गोविंद सिंह पुत्र राम सिंह निवासी रोहताश फुलमेरिया लखनऊ, निदेशक रविंद्र सिंह, मनोज श्रीवास्तव, प्रदीप पाठक, नेहा दुबे और वैभव प्रताप पुत्र राम गोविंद सिंह निवासी रोहताश फुलमेरिया लखनऊ हर बार झांसा दे रहे हैं। राजन सिंह पहले सारा इंडिया में काम करते थे, मैनेजर पद पर हम लोग सभी सारा इंडिया में काम करते थे। सारा इंडिया में कुछ पेमेंट लेट होने लगा तो राजन सिंह ने हम सभी लोगों को कहा कि मैं आप लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, अगर आप लोग हाँ करें तो। हम सभी लोग बेरोजगार हैं, सभी मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दुकान चलाता है, इस कारण से कोई सरकारी पद पर नहीं है और हम सभी लोग बेरोजगार होने के नाते उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो। डायरेक्टर में नंबर एक पे राम गोविंद, नंबर दो पे रविंद्र सिंह, नंबर तीन पर अनिल पाठक, प्रदीप पाठक, नंबर चार पे वैभव प्रताप सिंह और एक नाम और था नेहा दुबे लेडीज। सर 3 करोड़ तो पता है, 3 करोड़ का तो है। अच्छा, कितने लोग इसमें शामिल थे लगभग? इसमें शामिल है करीब सर होंगे, नहीं कर 2,000 होंगे सर। अच्छा हाँ, जमा करता। ये क्या कंपनी लेके पैसा भाग गई है? भाग गई है सर। अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो संपर्क होने नहीं उठाता है कुछ। अच्छा, कुछ पैसा मिला था कुछ उन लोगों ने रिटर्न दिया? अभी कुछ नहीं दिया है, 1 साल से कुछ नहीं दिया है जी। ये तकरीबन 3 साल पहले से यहाँ पर एक रोपवे एग्रो करके एक कंपनी है जिसने लोगों को ऐसा संज्ञानित किया कि हम आपका पैसा डबल करेंगे, आपको कमीशन देंगे। इस पे काफ़ी लोगों ने भरोसा करके इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। तकरीबन 3 करोड़ रुपए जो है ये कंपनी गबन करके यहाँ से गई है। इस पर कल एक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है कोतवाली नगर एटा में और इसमें विवेचना जारी है। इसमें कुछ लोग एटा के भी प्रकाश में आए हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी में जो शामिल हुए हैं और पुलिस जल्दी ही इस मामले का अनावरण करेगी।
प्राइम न्यूज़ 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।